हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MRCA टेंडर के बाद बांग्लादेश एयरफोर्स के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और अगर बांग्लादेश एयरफोर्स इन फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को इंडक्ट करना चाहती है तो उनके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और उसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स MRCA टेंडर के तहत तकरीबन 16 यूरो फाइटर टाइफून और अपने मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 8 राफेल फाइटर जेट्स को फ्रांस के पास से खरीद सकता है और ये दोनों डील लगभग कंफर्म हो चुके हैं, सिर्फ ऑफिशियल करना बाकी है। लेकिन आप सभी को पता है कि पूरे दुनिया में एरियल वॉरफेयर फिफ्थ जनरेशन के तरफ बढ़ रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश अपने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और कुछ देश ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, जिसमें से अमेरिका का F-22 और F-35 और रशिया का सुखोई Su-57 शामिल है। पूरे दुनिया फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन फाइटर जेट्स में एक यूनिक फीचर अवेलेबल है जो कोई भी फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स में नहीं मिलता है, और वो है रडार में बिना पकड़े जाना और अपने मिशन को अंजाम देना, यानी कि स्टेल्थ फीचर। और करेंटली दुनिया में जितने भी एयरफोर्स फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हैं ये सभी 2040 तक ऑब्सोलीट हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ जनरेशन एरियल वॉरफेयर 2040 तक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा और उसका जगह लेगा फिफ्थ जनरेशन एरियल वॉरफेयर। और इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देश अपने अपने एबिलिटी में खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने का कोशिश कर रहा है, और कुछ देश तो ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को अवॉइड करके सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के तरफ बढ़ रहा है, जिसमें से यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश शामिल है। दोस्तों, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश मिलकर एक सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का डेवलप कर रहे हैं और इस फाइटर जेट प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है टेम्पेस्ट। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया बहुत ही तेजी से फिफ्थ जनरेशन एरियल वॉरफेयर के तरफ बढ़ रहा है। और मैं यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट देश का नाम लेना चाहूंगा जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने में लगे हुए है। सबसे पहला है टर्की, जो अपने देश में ही TFX फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है और ये एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है और इस एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री। इसके बाद आता है कोरिया का KAI KFX, ये भी कोरिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है और इसको डेवलप कर रहा है कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट का नाम है IAIFX और इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है इंडोनेशियन एरोस्पेस। इसके बाद चाइना ऑलरेडी अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर चुका है, जिसका नाम है चेंगडू J20, लेकिन इस फाइटर जेट में अभी भी बहुत सारे इश्यूज है, जिनमें से एक बहुत ही बड़ा इशू है इंजन, और चाइना इन इश्यूज को फिक्स करने में लगा हुआ है। और चाइना J20 के बाद और भी एक नया फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है चेंगडू J31। इसके बाद आता है इंडिया, जो अपने देश में ही एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि AMCA। और इसके बाद जापान भी अपने देश में ऑलरेडी एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है और इसका नाम रखा गया है Mitsubishi X-2। तो इसी लिस्ट से आप देख सकते हो कि कितने देश अपने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है और लगभग 2040 तक ये सारे देश अपने फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करके एयरफोर्स में इंडक्ट कर लेंगे और फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट को रिप्लेस कर लेंगे। अब अगर बांग्लादेश एयरफोर्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश एयरफोर्स के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके तहत वो डायरेक्टली फॉरेन कंट्री से फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को परचेस कर सकते हैं या फिर जॉइंटली टर्की जैसे देश के साथ ऐसे फाइटर जेट को डेवलप कर सकता है। और अगर बांग्लादेश एयरफोर्स डायरेक्टली फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को परचेस की तरफ बढ़ता है तो बांग्लादेश के पास चाइना से J20 या फिर J31 खरीदने का ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन है रशिया का सुखोई Su-57, और रशिया ने ऑलरेडी इस फाइटर जेट का एक एक्सपोर्ट वर्जन भी बना लिया है, और अगर बांग्लादेश चाहता है तो रशिया के पास से सुखोई 57 भी खरीद सकता है। और जिस तरह से बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप कर रहा है, उसे देखकर ये लगता है इन नियर फ्यूचर अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को F-35 भी आसानी से ऑफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगा कि बांग्लादेश एयरफोर्स के पॉलिसी मेकर्स अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को इंडक्ट करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शंस के तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट परचेस या फिर जॉइंट डेवलप। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा रहेगा इन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स में से, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।